तो गुरुजी की छे नी पता कब आही थे लेकिन आही जरूर ते विश्वास रखे रे। अगर उसने विश्वास भगवान के ऊपर हो जाए हमर मन के श्रद्धा और विश्वास कि भगवान जरूर आही, आज नहीं आई कल ही आही, लेकिन विश्वास यदि रहे रहे भैया तो बिल्कुल एक न एक दिन आही। माँ सबरी देखत रही इसकी कब मोर घर राम आही करके, और जैसे इंतजार करत रही तो भगवान राम जो है वनवास के लिए निकली, और 14 वर्ष के वनवास के लिए जब निकली तो कवन के उद्धार करी, और कवन के उद्धार करे के बाद भगवान राम आज सबरी माँ के होकर कुटिया आश्रम में कदम रखे।
व्यापतम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवै नमः। बुद्धिहीन तनुजानी के सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भवा सर्व विद्या प्रदा भवा सर्व विद्या प्रदा भवा। आदरणीय संत समाज भगवान श्री राम के नैनी हाल दंडकारण्य दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ महतारी के कोरम बसे पावन धरा धाम राम डांडे सरा कुरुदला हमर श्री अदिति हर्षा बालिका मानस परिवार बाग बहारा जिला महासमुंद के ढाल ले नंदन है वंदन है और प्रणाम है। भगवान श्री राम के अमृतमयी कथा सुने वर बैठे मोर ममतामयी करुणामयी माता राम मल्ला पिता राम मल्ला नान नान छोटे छोटे भाई बहने आयोजक समिति और संचालक महोदय और जहाँ तक भी मोर आवाज जाती है लाउड स्पीकर के माध्यम से आप सबके पावन चरण कमल ला एक बार पुनः हमारे मानस परिवार की ओर से नंदन वंदन प्रणाम है। अब आप सब बोझ हल्ला जय जय श्री राम। आओ बड़ खुशी की बात है कि हम आप सब बोझ हल्ला भगवान राम के अमृतमय कथा सुने वर मिलत है। खुश होने की रामायण होत हमारे गाँव के आरंडी सही समाज। आओ मानुष तन मिले के बाद भगवान राम के कथा जन सुनेल मिलते ओकर ले ज्यादा सौभाग्यशाली संसार में कोई हो ही नहीं सके। भैया जब प्रसंग मोल मिले हैं वो प्रसंग में चर्चा करे प्रयास करन अरण्य कांड दोहा नंबर 34 कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआने प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। कोई बहुत सुंदर बात कहिस कि तुमको अवध पति दशरथ का बेटा राम कहो कि तुमको अवध पति दशरथ का बेटा राम कहो या रघुकुल का गौरव दशरथ का बेटा राम कहो माँ सीता का त्याग कहो या लव कुश का अभिमान कहो मुझे लेखनी बता रही है कि मैं तुम्हें शबरी के राम कहो मैं तुम्हें शबरी के राम कहो। चर्चा करे मिलत सबरी अच्छा दे दे नाम ले सुने हाथ उठाओ तो मैया हो सबरी नाम दे दे सुने ते मन हाथ उठाओ ले अतका बड़ गांव अतके जन व सुने हैं। अच्छा सबरी कौन है हाँ ते हरस भाई ते सबरी कौन हरे तो चर्चा करें भैया जे सबर करेल जाने जे सबर रखेल जाने इंतजार करेल जाने उही सबरी के छे जैसे गुरुजी की इस खबरी और लवरी की नहीं अभी के समय में हमले सबरी नहीं दिख सके कौन देखे अभी के समय में तभी के समय में खबरी दिख छे खबरी कौन लगे छे जे हर सब घर जा जा खबर ल बताथी नारद मुनि असन है ना छरी चुगरी करे बर बताथी वो अरे खबरी दूसरा अरे लबरी जे बिकट के लबारी मारथे अभी समय में हमला भैया खबरी मिल जाई लबरी मिल जाई ठगरी मिल जाई लेकिन सबरी नहीं मिल सके सबरी कौन तो जब भगवान राम की इंतजार करी माँ सबरी ठान ली शिवे कि जब तक मोर घर मोर अंगना में राम नहीं आही तब तक मैं प्राण नहीं त्यागा ऐसा इंतजार भगवान के चरण कमल के दर्शन करे बर माँ सबरी कब से इंतजार करते रहे छोटे श्री से मैं जब घर द्वार छोड़ के निकले रही शिव काबर घर छोड़ी तो संत मन बताते कि जो माँ सबरी है तेकर विवाह होने वाला रिथ बाल उम्र में है ना बाल विवाह जल कहे जाते तो कर विवाह होने वाला रिथ भैया तो वो समय विवाह कई ठने नियम आप मत देखो कई सही ऐसे रिथे जब बलि दे जाते जानते नहीं बलि दे जाते काकर हाँ बकरी के तब बलि दे पर रखे रहा है माँ सबरी जैसे ही पूछी सेमल काबर बांधे हुई हाँ काबर बांध के रखे हो तब बताते बेटी तो बिहाव हुई ना वो खुशी में मतलब बांध के रखे हैं जैसे ही तो बिहाव हुई तब फिर एक अरमन के बलि चढ़ा बोन के अच्छे माँ सबरी हुई नहीं ले सोचती समय कि मैं मोर खुशी के लिए मोर संसार बसाए के लिए आज इतना अकन बकरी मन के बलि दे जाही तो ये ठीक नहीं है दूसरा ला दुख पहुंचा करके खुश रही संतन जीवन में
रही संथन का। अरे भैया खाने तो कुछ खाओ मस्त शाकाहारी चीज है नहीं, हम दूसरा के हत्या करके दूसरा के जीवन ल दुखी करके यदि हम हाँ सुख से रहे प्रयास करबो खुश रहे प्रयास करबो तो का हम खुश रही संथन नहीं रह सकन। माँ सबरी ओकरे कारण घर ल त्याग दीज भैया। भिलनी जाति के वो लड़की जो है घर द्वार ल त्याग करके आश्रम में की आश्रम में की सेवा आश्रम में की सेवा तो कोई और रखना नहीं चाहत रहा है, कोई रखना नहीं चाहत रहा है। फिर भी माँ सबरी की इसकी भले कोई रखे चाहे मत रखे लेकिन मैं अब आगे हूँ ना यहाँ से वापस नहीं जाऊँ। घर द्वार ल त्याग के इस भैया गुरु जी रखी और अगर गुरु जी का नाम है मतंग बोली मतंग मुनि की जय हो। मतंग कौन ला कहे जाते हैं जेला काम क्रोध मत लोभ ये मन हाथ तंग नहीं करे परेशान नहीं करे ओकर नाम मतंग है। ये मतंग मुनि है ते मां सबरील के छे कि सबरी मैं तो जात हूँ संसार ल छोड़ के लेकिन तेरे है रे और ते जब तक भगवान राम नहीं आही जब तक वो भगवान राम के ओकर दर्शन नहीं करबे तब तक ये देह ल मत छोड़बे के छे। बिल्कुल भगवान आही आश्रम में भगवान दर्शन दे बर आही थोला के छे। सबरी के थे गुरुजी कब तक आही समय बताओ तो गुरुजी के छे नहीं पता कब आही थे लेकिन आही जरूर ते विश्वास रखे रे। अगर उसने विश्वास भगवान के ऊपर हो जाए हमर मन के श्रद्धा और विश्वास कि भगवान जरूर आही आज नहीं आई कल ही आही लेकिन विश्वास यदि रहे रहे भैया तो बिल्कुल एक न एक दिन आही। माँ सबरी देखत रिस की कब मोर घर राम आही करके और जैसे इंतजार करत रिस तो भगवान राम जो है वनवास के लिए निकली और 14 वर्ष के वनवास के लिए जब निकली तो कवन के उद्धार करी और कवन के उद्धार करे के बाद भगवान राम आज सबरी माँ के ओकर कुटिया आश्रम में कदम रखे। जल तुलसीदास जी महाराज लिखिस का कि ताहि देई गति राम उदारा सबरी के आश्रम पग उधारा। भगवान राम के आज चरण कमल माँ सबरी के ओकर आश्रम में आज आए हुए भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई माँ सबरी के आंगन में आए हैं। जब पल के इंतजार रहे सब आज वो पल इस भैया और हम मन अभी इंतजार करत था इंतजार करत था ना राम आही के कब आने वाला है क्या बात है। एक बार जोरदार ताली सब्बर होना चाहिए। हम मन इंतजार करत था भैया कब वो 22 तारीख आए हमर राम जरूर आहे 500 वर्ष बाद भगवान राम आने वाला है। सब इंतजार करत हन कि राम आही करके और हमू मन लक्षम मन से बुलाए लागे के कि भगवान तो बिल्कुल आए लागे हे हे राम तुम्हें आना ही पड़ेगा और इस मोह माया के जाल से छुड़ाना ही पड़ेगा। हे राम तुम्हें आना ही पड़ेगा इस मोह माया के जाल से छुड़ाना ही पड़ेगा और भक्तों के वश में हरदम तुम आए हो राम आज मेरे बुलाने पर भी तुमको आना ही पड़ेगा आज मेरे बुलाने पर भी तुमको आना ही पड़ेगा। इसने कोनो जीत करके बैठ जा तो बिल्कुल भगवान सुनिए भैरत हुई ना भगवान है नहीं बिल्कुल सुनही। आज सबरी माँ के पुकार ल सुन के माँ सबरी के आश्रम में भगवान राम आए हुए आओ चलते एक छोटे भजन की ओर बोली सबरी मैया की जय हो।
हृदय खिराव गृह आए मुनि के वचन समझो जी भाई। माँ सबरी देखी कि राम आए हैं तो उकाकर सुरता इस अपन गुरु जी को कर वचन के ओकर गुरु जी के रिस मतंग मुनि की सबरी भगवान राम जरूर आही त्रेता युग में वो अवतार लिही और तोर घर जरूर आही वो तोर आश्रम में जरूर आही इंतजार करबे ते हां। आरण्य संत समाज एक भक्त भगवान के जब भक्ति करते तब ओला इंतजार भी करे लागथे धैर्य धारण करे लागथे याद रखो। हम आप सबो जन भक्त हरन कैसनो भक्त हरन भले भी सही भक्त हो भले कामे चरी थे तबे भगवान ना याद कर थन कर थन नहीं ए भगवान मोल बारी मने नंबर से पास करा देबे सब जन उसने मांगथन पढ़ैया लइका मन हा मने पास करा देबे भगवान भले हम विषय के माध्यम से भगवान ना याद करत थन भैया लेकिन याद करत थन तो भगवान के ऊपर तको भरोसा रही थे कर्म करत थन पढ़त जरूर हन लेकिन भरोसा भगवान ऊपर रही थे है कि थन देखबे भगवान मोर पास करा ही विश्वास होना जरूरी है। किसान हा खेत ल बोत है जब खरी फसल बोथे भैया और खरी फसल बोथे ना तो वो समय पानी भगवाने छपर साथे तभे खेती होती रवि फसल में बोर और में बोर नहीं लेकिन खरी फसल में ना भगवान के ऊपर भरोसा रही थे भगवान की राही का पानी चिंता बात नहीं है कि था और जब पानी नहीं गिरे तब भगवान ने याद कर थन हे भगवान हे भोलेनाथ पानी गिरा भगवान पानी गिरा भगवान और हम याद कर थन तब आके धैर्य धारण कर थन कई बनो तुरंत गिर जाएगा हो जाए तुरंत कई जन मन उसने भी थे तुरंत मांग तो भगवान मुला भिक्षे चाहिए के ये चीज मुला भिक्षे चाहिए तो तुरंत नहीं मिलने वाला है भैया। पहली तो आप लोग धैर्य धारण करे लागी और विश्वास करे लागी इंतजार करे लागी है भगवान के जो भक्त है वो लोग भगवान ऊपर विकट विश्वास रहते हैं और प्रेम यदि हम प्रेम करत हैं भगवान से हो चाहे काकरों से तो कली इंतजार बहुत जरूरी भैया जे इंतजार कर सकते वही प्रेम कर सकते याद रखो और जेकर में जरूरत भी धैर्य नहीं है इंतजार करे नहीं जाने ते कभी भी प्रेम ला नहीं समझ सके। माँ सबरी भगवान के ऊपर भरोसा है कि वो मोर राम हरे और वो जरूर आही बिल्कुल आही। हम भगवान तक भले नहीं पहुंच सकन लेकिन हमारी ये जो आवाज है मन की आवाज दिल के जो पुकार है वो बिल्कुल भगवान तक पहुंचते याद रखो भावना बिल्कुल भगवान तक पहुंचते भगवान ने यदि ते बुलावे तो बिल्कुल आही। माँ शबरी विश्वास रे इसकी मोर राम जरूर आही कब से इंतजार करत हुए तो भैया जब बाल अवस्था रीस हुए वो समय से इंतजार करत हुए कि भगवान बिल्कुल मोर घर आही। आज एकदम वृद्ध हो गए हैं बाल पक गए हैं और ओकर मुंह ढंग से दांत तक को नहीं रीछे हैं लेकिन विश्वास उठके है प्रेम उठके है प्रेम उठके है प्रेम में नित नूतन तारी थे भैया प्रेम कभी पुराना नहीं हुए। हम भगवान की भक्ति कर थन तो भक्ति ना दिन दिन बढ़ते जाही और गढ़ाते जाही प्रेम हां और भक्ति जैसे ही भगवान के प्रति हमर बढ़त जाही बिल्कुल भगवान हमर समीप आवेश करहि। माँ सबरी देखत रिस्किया ही करके और आज इस बोल अपन गुरु जी को कर वचन याद आ गए सतगुरु वचन वेद विश्वास सा कोनो आदमी ला तबीयत खराब है डॉक्टर कर जाते हैं और डॉक्टर चेक करके बताते हैं ते हैं ये देख गोली खाबे सुबह और शाम कर खाथो नहीं गोली ला और ठीक हो जी था नहीं किस्मत कहा लगभग लगभग कम से कम 75% तो आप लोग ठीक लगत हो ही गोली नाम ला जानते हो गोली खास में ठीक हो के नहीं जानन ना हम अपन रोग के बारे में तको नहीं जानन लेकिन हम लोग विश्वास ताकर ऊपर है डॉक्टर ऊपर है बिल्कुल डॉक्टर ऊपर है ना तो गोली दे भाई नहीं हम खावन ठीक हो जीवन के से आप लोग बुखार हो रहा है भैया बुखार कर रही थे गोली नहीं जानस मेडिकल में मांगबे कई बार मेडिकल वाले ऊपर तको विश्वास नहीं रहा याद रखो का पता एक्सपायरी डेट हो गए हुई था का पता हम ठीक हो बन दुन नहीं लेकिन आप हा डॉक्टर कर जाते हो डॉक्टर मोर बुखार धरे कैसे लागत रस रस हा लागत छे कि अच्छा रस रस हा लागत हा तो ते नहीं दे गोली खावे एकदम ठीक हो जीवे वो डॉक्टर सूजी पानी देते तो हम ठीक हो जी थन कैसे ठीक हो थन तो हम लोग डॉक्टर ऊपर विश्वास से मैं आप लोग ये कहना चाहता हूं कि आप भी भगवान के ऊपर विश्वास रखो आपके जो बीमारी थे बिल्कुल कट के अविश्वास और गुरु प्रति भी होना चाहिए सदगुरु वचन वैद्य श्वास जिसे हम डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते
प्रसन्न भैया उसने हम अपन गुरु के ऊपर विश्वास करे लागे हैं। जय जय कान फुकाए ते मन हाथ उठाओ, गुरु कर फुकाए ते मन, पड़ोसी कर फुकाए ते मन मत उठाओ दादा। जय जय अपन अपन गुरु कर फुकाए ते मन हाथ उठाओ, बोलिए अपने अपने गुरुदेव की। गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के, गुरु बने माँ शबरी मतंग। ओकर गुरु जी कही थी से एक बार कि सबरी तोर घर राम आही, बस सबके बात ला धरी सबरी है। गुरु जी के एक ठन बात ला धरी कि मोर घर राम आही, और वही बात ला धरी से वे भैया ताज भगवान के वह दर्शन करत थे। मैं भी आप लोग ये कहना चाहता हूँ कि आप भी अपन गुरु जी की बात ले एकदम गांठ बांध के धर लो, और धर लो विश्वास कर मोर गुरु के मतलब झूठ नहीं हो सके। कई जन मन अपन गुरु जी पर विश्वास नहीं रहा, नहीं बता था मैं अमर गुरु हा बिहाव हुई से तो 30 ठन लाड़ू मांगे बहनी के, तो कई जन गुरु के ऊपर विश्वास नहीं रहा। गुरु के ऊपर विश्वास बहुत बड़े बात है भैया, और जे यदि व्यक्ति जे शिष्य अपन गुरु की बात में धर रही ओकरे जीवन शुरू हो सकते, वही भगवान के भक्ति प्राप्त कर सकते। गुरु कौन हो पहली बात, अच्छा कई जन मन गुरु बनाए के थे, कैसे जान के बनाए हो गुरु, कैसे जाने हो यही से बनाए लिखे के इतने ना कान फुकवाना जरूरी है, ता कान फुकवाने ताकर कर फुकवा जे वाकई में हमला प्रकाश मार्ग की ओर ले जाए, जे भगवान के भक्ति डान जोड़ दे उही गुरु बनाए के लिखे। कान फुकवाना एकर मतलब ये नहीं कि बीड़ी फूका गांजा फूका तेला के दिले का कानो फूक दे, बता तो जिंदगी फुका दी उसने, हम मन फुका दी बाइक को जीवो भैया देखता के फुकवाना है। गुरु कौन हरे तो वाकई जे हमला भगवान के भक्ति से जोड़ दे वाकई वही गुरु हो सकते, और जे गुरु हमला केवल भौतिक संसार में सुख सुविधा में उलझा कर रखत थे जे कभी भी हमला भगवान की भक्ति करे बर नहीं कहा थे जे हमर आंखें नहीं खोल सकत, ये आंखी है ना ये काय आंखी हरे तो ज्ञान वैराग दो नयन उर्गारी। ये जो नेत्र है ज्ञान वैराग यक नेत्र है, और जब तक ये नेत्र केवल संसार भल देखत रही भौतिक सामान में देखत रही तब वो वाकई हमर गुरु नहीं हो सके। गुरु हो जे हमर आंखी ला खोल दे ना, ये आंखी नो है काय आंखी ने दिखत काय के छे दिखा दिए तो आंखी है, आंखी है धोन बटन है किसी तो बटन न है भैया। वाकई में ये जो ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र है गुरु के माध्यम से खुलते ये नेत्र है, और तब कहीं जा करके भगवान के भक्ति हम प्राप्त करथन, भगवान के दर्शन करथन, वो गुरु होते। शबरी माँ याद करी सपन गुरु के बात ला, और गुरु के बात ला आज जैसे याद करी शिवे वो जान रही शिवे कि सबरी देखी राम गृह आए, ये जो आहे ना ये औ कोई नो है बल्कि ये कौन हरे, ये वही हरे जेकर में इंतजार करत हूं न जाने कब 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 ना, और कब वर्षों तक हम याद करत हूं जेकर इंतजार करत हूं, आज वो पल आए आज वो घड़ी आए। माँ सबरी देखीस भैया, और देखिस तो माँ सबरी पुलकित हो गए जेकर हम इंतजार करन बरसों तक, जेला देखे बन आंखी तरस जाए, कब से काम तरसत रीस की राम आए हैं इसे सुनाओ, कब से आंखी तरसत रीस की काज भगवान में तुल देखाओ। अच्छा कौन कौन ला भगवान ला देखे के मन लागथे, सब ला लागथे नहीं, एक भक्त भगवान के मूर्ति तन बैठे रहा और बहुत सुंदर भाव भगवान के मूर्ति लेक तक देखत रहे, और भगवान लगे छे का कि नजर से तेरी नजर को हम मिला कर बैठे हैं, कि नजर से तेरी नजर को हम मिला कर बैठे हैं, एक तेरे प्रेम के खातिर इस जमाने को भुलाए बैठे हैं, कि नजर से तेरी नजर को हम मिलाए बैठे हैं, एक तेरे प्रेम के खातिर इस जमाने को भुलाए बैठे हैं, और कभी तो पत्थर की मूरत से बाहर निकल कर आओगे सांवरे, और कभी तो पत्थर की मूरत से बाहर निकल कर आओगे सांवरे, इस इंतजार में हम खुद को पत्थर बनाए बैठे हैं, इस इंतजार में हम खुद को पत्थर बनाए बैठे हैं। मन तो लागथे अखियां हरि दर्शन के प्यासे, दिस दिन राहत उदासी, भगवान के दर्शन के बिना कोई महत्व नहीं है आँखी के, आँखी मिले हैं काबर मिले हैं सुंदर तल देखे बर नहीं, कोनो कई दिस ओकर बहु अब बड़ सुंदर है मन लागथे देखे के,
कोई कई दिस वो गांव ऊपर सुंदर है, मन लाखे देखे के कोई कई दिस वो चीज ऊपर सुंदर है, ये नेत्र सुंदर तल खोजते भैया। और वही सुंदर तल यदि हम परमात्मा में देखन, वो सौंदर्य यदि हम परमात्मा में देखन, तो हमार तो उद्धार हुई, लेकिन यही दर्ज है आंखी मिले ना सौंदर्य देखे बर, वाकई परमात्मा का सौंदर्य देख करके सुंदर तल देख करके गदगद हो जाही। माँ शबरी देखिस और देखिस तो भगवान के सुंदर तल देखिस, कैसे देखिस सुंदर, एक भजन पश्चात चर्चा कर बोल। बोली शबरी मैया की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। राम नाम की लूट है यूसुफ के चालूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूटे। राम नाम की हीरे मोती, कृष्ण नाम की हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लू रे कोई राम का प्यारा, सुर बजाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली।
बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर्वन माला। गुरुजी ले पूछे रहा शबरी माता हा, गुरुजी अगर मान लो जाए राम आज ही तब मैं पहचान हूँ कैसे चीन हूँ बता तो सही। अच्छा भगवान राम ला हम कैसे पहचान था ये राम भगवान है, भगवान कृष्ण कैसे पहचान था ये कृष्ण है, बजरंग बली कैसे जान डर था ये बजरंग बली, सबके कहीं कहीं से माध्यम से पहचान था नहीं। अगर हाथ में धनुष बाण धारण करे तो कौन हरे, अगर बांसुरी धारण करे कौन हरे, और गदा धरे था तो माँ शबरी के थे बहुत जानो का। मान लो जाए आपके घर कोई आने वाला है जे आप नहीं जानत हो, आपके पिताजी मान लो जाए बाहर चल दे सो के थे, बेटी एक जन सगा आई है घर में देखबे तो मैं कैसे चिन्हूंगा बताते, कैसे चिन्हबे बताते, लंबा रही उचपुर रही पतला दुबला रही गोरा रही सांवला रही बताते नहीं कोनो भी हो। मान लो जाए हम कोनो नहीं पहचानत थन वो के थे बोला ना ते हां काकी सास मानबे के थे। अच्छा कौन ला बताते, मोटी असर रही थोकने गोरी से रही अखीवन बड़े बड़े रही भाई कोनो पहचानने कुछ कुछ माध्यम बताए जाते। अब भगवान राम ला कैसे पहचान हूं मां सबरी पूछे रहे तो गुरुजी और बताए रहे हैं, गुरुजी जे जे लक्षण बताए रही मां सबरी आज मिलान करते मिलान करी भैया भगवान ला देख करके एक बार में पहचानना बजरंग बली असन हनुमान जी महाराज असन तको। पहली बार जब भगवान राम ला मिली सब पूछ डरी कोना रस्ते हैं कि तुम श्यामल गौर शरीर कोना रो तुम दोनों धर के थे, हनुमान जी असल भगवान राम ला मिली तनी पहचान सके से एक बार में ते हमन हर का कैसे पहचान वो लक्षण बता रहे का लक्षण तुम्हार शबरी देख इसका कि सरसिज लोचन बाहु विशाला। सबसे पहले भगवान के नेत्र देखी, आप मंदिर जाओ या घर में बैठे भी रहो तो एक भगवान के मूर्ति देखो या तस्वीर ला देखो और देखना है सबसे पहले ओकर नेत्र देखो। ये नेत्र वो माध्यम है भैया, हम जान सकते हैं आंखिक माध्यम से कि कौन अपने और कौन पराए याद रखो। ये मुंह झूठ बोल दे लेकिन आंखी कभी भी झूठ नहीं बोले, नजर सब ला बता दे कौन अपने कौन पराए आंखी बता छे। भगवान के नेत्र देखी एकदम सुंदर गा कमल सदृश भगवान के ओकर नेत्र और जैसी भगवान के वो नीला कमल रूपी नेत्र देखी छे मैं और देखे बाद लोचन लोचन ला देखी सुकर बाहु विशाल। पहली काला देखी नेत्र आंखी ला। अच्छा भगवान के नेत्र को एक बार देखे तो सही, हे राम कसूर मेरी आंखों का है जो तुम्हें देख नहीं पाती, हे राम कसूर मेरी इन आंखों का है जो तुम्हें देख नहीं पाती, वरना तुम्हें तो वो भी देख लेते हैं जिनकी आंखें नहीं होती, जिनकी आंखें नहीं होती। हे प्रभु भगवान के नेत्र लाभ एक बार देखोगा इतना करुणा भरा इतना प्रेम भरा है ना भगवान के नेत्र पूछ मत, नेत्र से पता चलते हम काकरोस प्रेम करन ता आंखी बताते हो कुछ नहीं बताए। आप एक बार ओकर नेत्र देखो भगवान के नेत्र देखे कोई कहते भगवान तो आंखी इतना सुंदर है कुछ मत ना करुणा भरा है भगवान के नेत्र में। वो कमल सदृश नेत्र देखे के बाद दूसरा देखी यहाँ देखे के बाद बाहु विशाला भगवान के ओकर भूजल देखी बाहुला, बाहु मतलब हाँ बाहु मतलब भुजा, बाहुबली जानते नहीं बोला कह गए जेकर भुजा में बल हो पर हमर भगवान राम के भुजा किसने है तो बाहु विशाला भगवान के ओकर भुजा विशाल हैगा, संसार में ओकर भुजा के विशाल के समान हो काकरो भुजा नहीं हो इतना विशाल भगवान के भुजा। कोई भगवान ला पूछिस भगवान इतना विशाल काबर है तो भुजा तो भगवान कहते अरे भाई मान लो जाए कोई बाप है देकर दू झन लड़का है वो बाप हा अपन दोनों झन लड़का लिही उठाते नहीं भुजा के माध्यम से तब वो कर भुजा होत के भरा जी थे दू झन लड़का में दोनों लड़का मान लो जाए एक झन लड़का पाना है एक झनो लड़का के पापा तो बहुत पाल लागे है ना। भगवान के थे ये पूरा समाज संसार के चर अचर जितना भी जीव है वो सबला मूल धारण करने सबला पाना है सब पर गोद में सब पर भुजा में है तो और भुजा लत विसार रह चला लागेगा किसे। भगवान के शरण में आप एक बार चल दो और ओकर शरण में जाए के बाद बिल्कुल भगवान आप लोग स्वीकार कर ले हैं
भैया भगवान के भुजा इतना विशाल है। और बताएगी संत मन के कहना है कि भगवान के भुजा इतना विशाल रहे पूछ मत। भगवान के ऊपर जो ये दोनों हाथ हैं, वो दोनों हाथ की ये उंगली मधिका कहेगी ध्यान रखो। इला के जाते अंगूठा तर्जनी मधिका अनामिका कनिष्ठा। भगवान की जो उंगली मधिका, ये मधिका जो उंगली है, भगवान जब खड़े रहे तो ओकर जो ये मधिका उंगली है वो घुटना तक लछुए के थे। यदि कोई भी पुरुष के मान लो बैठे हुए नहीं छूना है, मान लो आप खड़े हो और खड़े हो करके आपके मध्य का उंगली है, मान लो आपके घुटना स्पर्श करत तो आप कोई साधारण इंसान न हो। ऐसा भगवान की विलक्षण सुंदरता है भैया। ओकर भुजा इतना विशाल है कि केवल ओकर ये जो मध्य का उंगली थी ओकर घुटना छू सकते। इतना विशाल भगवान के ओकर जो हाथ है देह जटा मुकुट सिर उर बनमाला। भुजा ल देखे के बाद ऊपर देखिस मां सबरी तो भगवान के ओकर बाल ल देखिस। भगवान के जो बाल है, जो केस है, तेमन बंधाए रहे जटा सन बने रहे। बोली राज राम चंद्र की जय हो। अच्छा खोपा काबर बना था बहनी हो? नहीं अपन अपन छूना नहीं है ना, तो खोपा बनाए हम के काबर बना था खोपा। अगर हमला मान लो जाए खाना वाना बनाना या काम अच्छा करना है ना, तो बाल कोनो बगरे रहे थे अच्छा खोपा बना ले तान एकदम बिंदास। ओकर बाद कमा तान फिर है नहीं लक्ष्मी बाई असन काम कर। और मान लो बाल खुले तो हम का काम कर सकून अच्छा से नहीं कर सकन। ये बाल का हर इच्छा है हमारे चंचलता है, मन के चंचलता यदि वश में करना है, कंट्रोल में करना है तो कल ये जो बाल है, ये जो चंचलता है, ये जो इच्छा है, वो इच्छा मन ले एक जगह समेट के रखो। भगवान जटाई करे कारण बनाते तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान 14 वर्ष के वनवास निकले हुए जटा बनाई और जटा बनाई से में ओकर जो मुकुट है ते जटा का मुकुट है। हम भगवान ले देखता कई दिन भगवान ले देखबे सोना का मुकुट पहने रही थी नहीं। राम भगवान के जब राज्य अभिषेक हो तब वो मुकुट पहने रही थी। लेकिन राम जब वनवास के लिए निकले भगवान है तो भगवान जटा का मुकुट बनाई न सोना चांदी आभूषण के नहीं, केवल बाल के ही जटा बना ली। और संगे संग में उर बनमाला भगवान जो है अपन हृदय तक आज बनमाला पहनी से वे बनमाला हीरक माला नहीं ना सोना का माला नहीं बल्कि वनमाला। जो वन में जो फूल खिले रहे थे वही फूल मन से भगवान आज वनमाला पहने हैं। जैसे ही भगवान के सुंदर तल देखी श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परे चरण लपटाई। जैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण के दोनों झंग के जोड़ी देखी माँ सबरी पहचान भरीस भैया। और जैसे ही पहचानी से वह भगवान के ओकर चरण कमल से लिपट गए। आप मन के गांव का नाम डांडेसर है ना, अमन अभी जान डांडेसर है कि काम था डांडेसर जाना है करके। लेकिन जब आवक काकरू पांव पर थन तो छत्तीसगढ़ ही में एक ठन बात की थे का डंडा सर जान छो ये बात ना नहीं जानो का है मन हमर डांग के मन के थे दंडवत प्रणाम जान छो दंडवत प्रणाम ला आवा डांग के मन डंडा सरन के थे डंडा सरन तो पैया लागो इसे के थे मतलब पूरा अपन अपना न्योछावर कर देना समर्पित कर देना। माँ सबरी आज भगवान के चरण कमल से लिपटी भैया। और जैसे ही लिपटी से वे प्रेम में मगन हो इस समय प्रेम में अपना मगन हो गए कि मुख वचन ना आवा। प्रेम में अपना गदगद हो गए कि मुख से आज कुछ नहीं निकल सकत थी मैं। और पुरी पुरी पद सरोज सिरनावा बार बार भगवान राम के ओकर चरण कमल प्रणाम करत हुए। और जिसे प्रणाम करत हुए सुंदर जल ले सादर जल ले चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे। हमर घर नवा कोनो सगा अच्छे कोई भी सगा आते तो सबसे पहले हम पानी देते हैं। कहां से क्यों पानी देते के अभी मन तो इसे है सगा जाबे ना ओती फ्रेश हो जाके सीधा बाड़ी साइड पानी वाला देख प्रथा नहीं है ना पानी काबर देते हैं। कई जन्म के कहना है कि हमारे जो गोड़े वो मगनी रहते हैं और पानी धोबे ना तो शीतल हो जाते शांत हो जाते के थे। जब भी हम घर जावन तो सियान मन के कहना है कि जब भी हम बाहर से आ घर में तो घर में घुसे से पहले पानी छींक के ही प्रवेश करना चाहिए के थे।
भगवान के ओकर चरण कमल ल धोइस। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि हम हा सगा आथे अतिथि आथे तो पानी देथन। कई जन मन के थे हमर सास से सीखेन, कई जन के थे माँ से सीखेन, तो कई जन मन हो काकरोस के थे, लेकिन हम तो रामचरित मानस से ही सीखेन भैया कि सगा है तो पानी देना है ना। अतिथि आए, भगवान राम आए, सुंदर प्रकार ले पानी दी से वे और जल से पखारी भगवान के चरण कमल ला पुनि सुंदर आसन बैठा रहे, भगवान ने सुंदर आसन में बैठा दी। और जे प्रकार ले हम अतिथि के सत्कार करथन बैठारी, बैठारे के बाद कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहु आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। भगवान आज कंद मूल फल दिस, काय काय दिस, हाँ ये तीन ठल भगवान के सामने परोसे। अच्छा तन बोई लिखाए का हमन के थन ना, भगवान राम और सबरी घर जाग बोई खाए के क्या के थन नहीं सब जन तो बोई खाए के किथे, लेकिन रामचरित मानस में तुलसीदास जी महाराज तन नहीं लिखे से सबरी माता केवल तीन चीज दिस, कंद मूल और फल। और ये तीनों चीज ल जैसे ही भगवान के सामने में रखी, प्रेम सहित प्रभु खाए, भगवान किसने खाई प्रेम सहित। अच्छा हमन किसने खाथन, कार्टून देखत देखत है ने, हाँ प्रेम सहित नहीं खान भैया। यदि हम प्रेम सहित कोनो खाल ला लेबो तब ओ दिन कोनो साग सीठा रही तब हम मिठाई हमर मुंह में याद रखो, मिर्चा कम लगे तब होल हम हमर मुंह में मिठाई। हम आजकल प्रेम से खाए पर भुला गए हैं और ओकरे कारण ना कोई कतनो अच्छा बनाए रहा है हमर महतारी है या घर के कोनो हम कतनो अच्छा बनाए रहा है हमर मुंह में मिठाई है। प्रेम के सहित यदि खाल लल लल तो बिल्कुल मीठा थे, भगवान प्रेम के सहित खेसगा। और कोई चीज भी कहा कि प्रेम में ताकत है दुनिया को झुकाने की, अजी प्रेम में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना श्री राम को क्या जरूरत है सबरी के जूठे बेर खाने की, सबरी के जूठे बेर खाने की। प्रेम के साथ साथ आओ सल्थन एक छोटे भजन की ओर, बड़ी सबरी मैया की जय हो। लखन सिया रामचंद्र की जय।
भूषण समान। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आने, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। अच्छा आपो मन दोहा याद हुई इसकी नहीं हुई से याद रखना भी जरूरी भैया हम आप सब जन हिंदू हरण और हम रामचरितमानस हमर धर्म ग्रंथ रे हमले पता होना चाहिए दोहा चौपाई मन कम से कम एक आठन ही सही। आज सुंदर प्रकार ने मां शबरी हां भगवान ला कंद मूल फल दिस और भगवान की से खाते तो प्रेम सहित भगवान राम प्रेम के साथ खाद सोच के देखो आदरणीय संत समाज यदि हम प्रेम के साथ खान तो वाकई में आपके पास जो भी हो वो स्वादिष्ट लगेगा और प्रेम नहीं है ना तो कत्तो अच्छा स्वादिष्ट बना दे दे लेकिन हम लोग मीठा भी नहीं करे हमारे मुंह में मीठा भी नहीं करे। एक जन लड़की है भोजन बनाल सीखत रहा है और भोजन बनाल सीखत रहा है उकर महतारी के थे अब तो सीख जा बिचारी के थे अब रोज दिन के थे देखल अच्छा आज बनाता हूं के थे करेला बनात रहेगा और जैसे ही भूंजत रे करेला जर गए उकर महतारी खई से भोजन परोसी त महतारी के थे बने नहीं बनाते जर गए करेला के थे अपन पिताजी दिस पिताजी के थे अच्छा कौन बनाए के थे खाग देखिए टेस्ट कौन बनाए के थे लड़की के थे मैं बनाऊं पिताजी के थे बाप के थे वाह बेटी थे इतना सुंदर बना लेता जोरदार लागत करेला मीठा थे करूनी लागत थे के थे मतलब वो जरे तो पता नहीं चलत है और पता चलत तो बोल बाप इतना प्रेम के साथ खाग काबर जानता काबर क्यों कर बेटी बना है ना ओकर बेटी बनाए तो करेला जर गए तब होल ओकर मुंह में अच्छा लागत गा तब वो स्वादिष्ट लागत है प्रेम है तेकरे कारण काबर वो बेटी इतना मेहनत से बनाए है कैसे प्रेम है तो करेला कतनो करू रहा है मिठाई और प्रेम नहीं है ना तो कोई कतनो अच्छा हो शक्कर तको डार के दी तब हम नहीं खान भैया प्रेम के महत्व है संसार में। भगवान राम आज सबरी का अंगना में से हुए तो सबरी का अंगना में आए हुए तो काबर ही सबरी लग नहीं जाने ना दूर दूर से देखे जाए कोई नाता नहीं है लेकिन एक ठन भस नाता है हमन काकरो घर जाथन बर बिहाव हो थे और मान लो जाए शादी हो थे उकर घर काट दे अच्छा साहुआ रे हमर जाति के त जाथन ना पहला जाति त जाथन हमरे जाति खरे हो त जाबो पार के दू ठन लाडू और एक्स्ट्रा मिल ही से वाला जाथन हमन ना और कौन तो जाथन तो खून के रिश्ता से जाथन और नहीं जाथन का कबड़ा वाला रिश्ता से जाथन कबू जाति के रिश्ता से जाथन लेकिन भगवान की थे सबरी मैं आज तो रंगना में आ हो और काहे कारण जाति तो एक ही नहीं है भैया सबरी कौन अरे भिलनी जाति खरे और भिलनी जाति खरे तब भगवान होकर घरे तो भगवान और सबरी के थे का कि कह रघुपति सुनो भाव में निभाता मानव एक भक्ति करना था भगवान राम हमला सीख दे ये चौपाई हमला ये सीख मिलते कि भगवान राम आज तक कभी जाति पाति भ्रम में नहीं पड़िस वो सबरी के थे का कि सबरी में केवल एक था रिश्ता मान था देख लो हमला किसने रिश्ता मानना है हो के थे मानो एक भक्ति करना था आप मन इतन बैठे हो हम आप मन के लिए अनजान हरन और आप मन हमर मन के लिए अनजान हरन लेकिन तब होले तन बैठे ना अच्छा लागत छे हमन दूसरा सब नहीं लागत हो बना भी बैठे ना काबर अभी एक रिश्ता जुड़ा छे भगवान के माध्यम से भगवान के नाम के माध्यम से आप भी ओढ़ाल ले भगवान राम के भक्त हरो और हमो मन भगवान राम के भक्त हरन आप भी इष्ट देवता पर राम ल मानथो हम भी ओ राम ल मानत हन मतलब आपके हृदय में भी राम है आपके मुख में भी राम है और हमरो मन के मुख में राम है तो हमले ऐसे नहीं लागत कि आप मन पर हरो दूसरा हरो के भैया भगवान भी एक थर स्थल देखी सो केवल और केवल भक्ति मानो एक भक्ति करना था यदि कोई मोर भक्ति करत है मतलब मोर रिश्ता में जुड़ गए के छे और मैं ओल मान हूं मैं जाति पाति नहीं देखा पढ़ाई लिखाई नहीं देखा न रंग रूप नहीं देखा ये सबसे ऊपर यदि कोई उठे तो हरे भगवान राम कोई आदमी के थे भगवान हर जगह है के थे हाँ हावे तो दिखाए काबर नहीं के छे हरि व्यापक सर्वत्र समाना तुलसीदास जी महाराज लिखी इसकी हाँ बिल्कुल भगवान हर जगह है हरि व्यापक सर्वत्र समाना अच्छा हर जगह है आओ एक अंबब तक है के छे है ना माइक में तको है आपके अंदर भी मोरो अंदर हर जगह है का भगवान कती जगह नहीं है पूछ सके छे अच्छा दिख
दिखे अच्छा दिखे काबर नहीं प्रेम है इसलिए कहल दिखे हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना भगवान कैसे दिखे तो प्रेम करबे ना प्रकट हो जही के छे भक्त प्रहलाद हा भगवान ने पुकारी भगवान से बड़ा इसने करे बड़ा प्रेम करे भगवान ने याद करी तो भगवान जो है खम्भस प्रगट हो गए बोली नरसिंह भगवान की जय हो कैसे प्रगट हो तो प्रेम के कारण प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना प्रेम में ताकत है भैया और आज ओकरे कारण भगवान खात ना तो एक भले कंद मूल फल हरे कोनो आदमी कही दे खिचड़ी खाए कर एकर से तो स्वास्थ्य एकदम ठीक रहे तोला चांद गुपचुप नहीं खाना है मसाला वसाला नहीं खाना है न जरस भी खट्टा मीठा नहीं खाना है तो एकदम खिचड़ी बस खाना है अच्छा खिचड़ी कैसे बनते हैं दाल चावल और नमक पानी ठीक है इतने बस से मिल के बनते नहीं खिचड़ी हमारे सेहत के लिए अच्छा है ना पेट खराब हो गया आप खिचड़ी खाओ तबीयत खराब है आप खिचड़ी खाओ खिचड़ी इतना प्रोटीन अम्ल कहीं नहीं दे सके भैया लेकिन वो खिचड़ी अमर मुंह में मीठा है नहीं मीठा है भगवान और राजकुमार हरे राजा दशरथ के बेटा हरे वनवास के लिए निकले हैं और वनवास के लिए आज निकले हैं तो सबरी और कंद मूल फल देखे तब भोल भगवान तुझे कहा कि सबरी बिकट मीठा थे बखानी प्रेम से ही प्रभु खाए बारंबार बखानी अच्छा बखानी मतलब का होते बखानना नहीं हो है ना अब उसने किथन तोला बखाना तो रिस किथन कौन ओकर सासा किथन नहीं उसने तो बखानी मतलब होते भैया भगवान आज प्रेम के कारण भगवान अपना प्रेम में पुलकित तो होई से वे कि प्रेम के साथ बार बार खाते बखानी मतलब प्रशंसा करत थे वे अगर कोनो कह दिस ना तो बखाना तरीस की के ता मन ये सोचन बखाना तरीस मतलब गाली दे तरीस की ना सोचन नहीं उसने लेकिन ये तन दूसरी दास जी महाराज ने की बखानी मतलब प्रशंसा करत तरीस के थे अब कोनो कही तो बखाना तरीस या के अच्छा बने बहनी ओ बखाने के बे कहे और प्रशंसा करेल कहे भगवान बार बार प्रशंसा करत कई कन्मूल फल इतना स्वादिष्ट है अब वो मन तो खाथन शंकर कांत खाथो नहीं खाथो कितना मिठला अगर एक दान वाला रख दे अब एक दान आपके सामने हो कई चीज रख दे एकदम गुपचुप कतिल खाओ कतिल खाओ हाँ गुपचुप बने बने दान तो तू ही मन है अब हमार सास स्वास्थ्य के लिए कति ज्यादा अच्छा है अच्छा जानतो तो गुपचुप ला काबर खाऊ भाई बड़ा अटपटा आदमी है काबर जीव के स्वाद देखथन है नहीं ओगरे कान खातन भैया भय शरीर के लिए कहीं हो भगवान वो कन मूल फल ला खात है वे वो हालांकि स्वादिष्ट ना हो लेकिन भगवान लाज मिठा थे वे तो भगवान काय भूखा है तो भगवान तो केवल और केवल प्रेम के भूखा है भगवान तो केवल और केवल भाव के भूखा है भैया हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना आज प्रेम के कारण भगवान जो मां शबरी की अंगना में और मैं भी आप मन कहना चाहता हूं कि आप भी भगवान से थोड़ा बहुत तो स्नेह करो आप 24 घंटा रिश्ता निभाते हो नारी 24 घंटा घर परिवार से बंधे रहते कभी बेटील देखत कभी बेटल देखत कभी पतिल देखत है कभी सास ससुर ये रिश्ता निभात है प्रेम है तो निभात है सब रिश्ता 24 घंटा होकर मन भर रात दिन काम करत है रात दिन भोजन बनात है 24 घंटा व्यस्त है तो बोल आदमी के थे मोल लेते काय करे लइका के थे मोल लेते काय करे हम दुनिया में कतरो रिश्ता निभा 24 घंटा आप निभाओ लेकिन फिर भी आप ना कह देते मोल ले काय करे वो नहीं समझे लेकिन मैं आप ला कहता हूं आप कम से कम 2 मिनट 24 घंटा कम से कम 2 मिनट भगवान के सामने में खड़ा हो और भगवान ने कही भगवान तोरो प्रति मूल प्रेम है क्या है प्रेम है कही तो सही थे एक बार भगवान तोरो प्रति मूल माया हैगा इसलिए मैं तोर भुला गए हूं अब भी तोर प्रति प्रेम है और भगवान सदा तो नाम ला लेते रहा अब कम से कम 2 मिनट होकर कर बैठा आप 24 घंटा जे रिश्ता निभाए हो वो रिश्ता आपके अंतिम समय में साथ दे चाहे मत दे आपके विपरीत समय में साथ दे चाहे मत दे लेकिन मैं आप ला कहना चाहूं कि आप 2 मिनट कम से कम रोज दिन भगवान के सामने में गिरे हो रो और रो एक बार कम से कम वो भगवान ला याद करो मैं आप ला गारंटी देता हूं भैया कि आप ला बिल्कुल भगवान हंसवाही आप बिल्कुल भगवान से प्रेम करके तो देखो जीवन में यदि संतान के कमी भगवान से प्रेम कर ले भगवान संतान सन बुला ले
बोले इसलिए दशरथ और कौशल्या बेटा के रूप में आ जाके आगे ओकरे से प्रेम कर ले। भाई भगवान से हमला कोई न कोई रिश्ता में जुड़ना है, प्रेम के रहना जरूरी है। और आज प्रेम के साथ खाते प्रेम से ही प्रभु खाए बार बार बखानी विकट मिठातगा। हाँ कहीं भी चीज ला हम खाता नहीं, एक दो बार गुणगान कर बोल नहीं पज के तहां सुरता नहीं आए कई भजदे बोल हाँ जोरदार रहिस गा इसे के। लेकिन भगवान खात तो बड़े प्रेम के साथ खात। जय भगवान। हाँ 56 प्रकार के भोग लता को त्याग देते, दुर्योधन के मेवल त्याग देते, विदुर घर खाते। आज वो भगवान जो है त्रेता युग में राम अवतार ले हैं और माँ सबरी के यहाँ एक कंद मूल फल लखाते हैं और प्रेम के साथ सुंदर प्रकार ले बखान करते हैं। आओ चलथन भजन की ओर। बड़ी राज रामचंद्र की जय हो। लखन सिया रामचंद्र की जय।
निवेदन करूं, सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए, कबर की पीला बत्ती जल चुके हैं, एक पद बस बचे हैं, निवेदन सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। और छोटे छोटे लड़का मन बैठे हमारा ज्यादा नहीं आए, लेकिन यदि आप मन इसने सपोर्ट करते रहो तो बिल्कुल हम मतलब धीरे धीरे आई। और जिला जिला गाय बराते गाहू, जिला ताली बजाए बराते बजाऊ, और जल कुछ तब होले बजाए प्रयास करूँ। गाल गाल जी हर के राम कई दूर तो प्रीत जानी, गाल गाल जी हर के राम कई दूर तो प्रीत जानी, कई दूर तो प्रीत जानी, जरूरी है नेतबाब लाही, कई दूर तो प्रीत जानी, जरूरी है नेतबाब लाही, गाल गाल रामचंद्र की जय।